हाय एवरीवन, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। सो दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और हम बैठ गए अपना मेकअप करने के लिए, यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए। और आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक कर रही हूँ। जब मेरे इनिशियल डेज थे, जब मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब अपना मैंने स्टार्ट किया था चैनल, तब मैंने काफ़ी सारे सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक करे थे। शिल्पा शेट्टी इंस्पायर्ड किए थे और भी काफ़ी सारे किए थे मैंने। सोनम कपूर के भी मैंने 2-3 लुक्स किए थे उस टाइम पर भी, लेकिन बीच में मैंने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं किए थे। लास्ट शायद मैंने दिया मिर्जा वाला लुक किया था और उसके बाद मैं आज काफ़ी लंबे टाइम बात कर रही हूँ। तो सिंपल सा तैयार होने की वो कर रही थी। और आज का वीडियो मेरा सैटरडे के जगह फ्राइडे को ही आपके पास आ जाएगा, बिकॉज सैटरडे को वीडियो डालती हूँ तो संडे और मंडे, मतलब मुझे संडे को ना जो हाउसवाइफ होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा वाला काम रहता है घर में, तो मुझ पर भी ऐसी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड रहता है। फिर बस मंडे का दिन मिलता है, ट्यूसडे को वापस से वीडियो डालना है, तो अक्सर मेरा वो मिस हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं फ्राइडे को ही वीडियो डाल देती हूँ। फाउंडेशन दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास 3 फाउंडेशन है। तो ये मेरे एग्जैक्ट शेड का है, ये ब्लू हेवन का है और जो बच्चे वो 2 हैं, एक फिट मी का है और एक है श्रेयॉन का। लेकिन इन दोनों में से एक बहुत ज़्यादा मुझे गोरा कर देता है और एक थोड़ा सा मुझसे डार्क कलर का है, तो मैं उन दोनों को मिक्स करके मेरा जो एग्जैक्ट शेड है वो बना लेती हूँ। मेकअप की प्रोसेस मेरी हमेशा सेम रहती है और ये बात आप जानते ही हो। और अच्छा, मुझे ना कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पिया इन दोनों बड़ी खिली खिली लग रही है और बहुत अच्छी लग रही है, स्किन का राज बताओ। तो देखो यार, स्किन ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल खिली है। हाँ, ये जरूर है कि मेरी ऑयली स्किन है तो विंटर्स में थोड़ी ज़्यादा मुझे अच्छा, मतलब अच्छी लग जाती है। मुझ पर सारे मेकअप सूट होते हैं विंटर में, सब कुछ होता है, लेकिन अब गर्मियाँ वापस से आ जाएंगी और मेरे बड़े बुरे हाल होंगे गर्मियों में। तो मैंने ऐसे स्पेशल वाला स्किन पे कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ इन दिनों में थोड़े से घरेलू चीज़ें ट्राई करने लग गई हूँ। मैंने फेस वॉश बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं बेसन का यूज़ करने लग गई हूँ परमानेंट फेस धोने के लिए। मैं टमाटर का जो रस होता है वो फेस पे लगाने लग गई हूँ। मैं आलू का रस लगाने लग गई हूँ फेस पे और वो भी डेली बेसिस पे लगाने लग गई मैं इन चीज़ों को। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम, क्योंकि ना इन दिनों मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं डेली वीडियो बनाऊंगी। तो जब आप डेली मेकअप करोगे, जब आप डेली उसको कितना भी उतार के सोगे अगर थोड़ा बहुत भी रह जाए, तो हम स्पेशल कोई क्रीम तो अलग से यूज़ कर नहीं पाते हैं। और पता नहीं लोग कर पाते होंगे, लोग करते हैं अलग से रात में भी स्किन केयर, लेकिन मुझसे यार इतना थक जाती हूँ, मुझसे तो ये सब कुछ नहीं होता है। तो मैं ना ये देसी चीज़ें आजकल करने लग गई, तो उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। और इसके अलावा जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है लाइट्स का। फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, बेस के लिए मैं कभी भी कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ। जब तक कहीं जाना ना हो, घर में से बैठ के वीडियो बनाना, वो भी रिंग लाइट के आगे, तो क्या ही मतलब इतना कौन सा पता चलना है। और वैसे भी जो लोग मुझसे हाँ कह रहे हैं ना कि बहुत अच्छी ग्लोइंग स्किन है, तो डियर ये सब कमाल है लाइट्स का। अभी देखना, ये बिना लाइट के मैं शूट कर रही हूँ, केवल नॉर्मल घर की लाइट जल रही है। जैसे मैं रिंग लाइट जलाऊंगी और सनसेट लैम्प आजकल मैंने ले लिया है तो वो जलाऊंगी, उससे एक अलग ही चेहरा निखर जाता है। मतलब मेकअप तो वही सिंपल सा जो मैं करती हूँ वही कर रही हूँ। इनफैक्ट आज मुझे यूट्यूब का वीडियो शूट करना था और 2-3 वीडियो शूट करने थे, इसके लिए मैंने मतलब इतना सारा ये करा भी है। अदरवाइज मैं सिर्फ बीबी क्रीम लगा लेती हूँ और ब्लश लगाती हूँ, काजल लगाया, बस हो गया मेरा मेकअप, इतना ही करती हूँ मैं। मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक कर रही हूँ। तो मैंने एक करा है कियारा आडवाणी का और एक करा है सोनम कपूर का। ये दोनों लुक के जो शॉर्ट्स हैं मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाल चुकी हूँ और शायद यूट्यूब पे भी एक शॉर्ट तो मैं डाल चुकी होंगी, या तो सोनम कपूर का आ चुका होगा या तो कियारा आडवाणी का आ चुका होगा। तो आप तो वो देख ही चुके होंगे और काफ़ी लंबे टाइम से नहीं किया था। दोनों बहुत सिंपल थे, प्लस मेरे पास ऑलरेडी थे हमेशा की तरह, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लॉथ्स थे मैंने उन्हीं के संग मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, जोड़ तोड़ के ऐसी कुछ ना सब वो करा है, ऐसे कुछ अलग से कपड़े लिए नहीं है। और आपको मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मुझे देखने वाली काफ़ी जो लड़कियाँ हैं वो खुद भी यूट्यूब यूज़ करती हैं, तो उन्हें भी काम आएगा किसी और को बताने के लिए कि हाँ, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ वो सब आपके भी काम आएंगी, उनको कैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जो मूल मंत्र होता है वो यही होता है कि सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक को आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं। बिकॉज कुछ को सेलिब्रिटीज को तो हम डायरेक्ट ऐसे ही क्रिएट करके जा सकते हैं, जैसे रेखा जी के लुक्स हैं वो आप डायरेक्ट वैसे ही जा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ लुक्स ऐसे होते हैं जो हम लोग ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी आम जिंदगी में नहीं जा सकते हैं। तो बस वही, यहाँ पे मेरा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मेकअप की मेरी 4 या 5 स्टेप होती हैं जो मैंने 100 बार शेयर करी होंगी आपके साथ, तो उनको मैं क्या ही बताऊँ। लिप लाइनर जरूर यूज़ किया कीजिए, इससे ना होठों का एक अलग ही शेप आ जाता है। स्पेशली जो लड़कियां डेली मेकअप करती हैं, डेली वीडियो बनाती हैं, मैं उनके लिए सब बातें बता रही हूँ। बहुत सिंपल सा मेकअप करो यार रेगुलर के लिए, हमें कोई प्राइस नहीं जीतना है, मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना है हमें आप में जो भी स्पेशल स्किल हो बस उतना दिखाना है। तो मेकअप वेकअप की क्या ही इतनी जरूरत है। ये मेकअप मैं दिखा रही हूँ बिना लाइट्स के, अब मैं लाइट्स ऑन करूंगी और बिल्कुल चेहरा बदल जाएगा। जो मैं आजकल सनसेट लैम्प यूज़ करने लगी हूँ ना, उससे तो चेहरे के टेक्सचर भी छुप जाते हैं, तो और क्या ही चाहिए। जब इंस्टा की रील बनाती हूँ तब तो फिल्टर्स यूज़ करती हूँ, लेकिन यूट्यूब पर फिल्टर्स काम नहीं करते हैं, मतलब ऐसे आड़े में भी फिल्टर्स नहीं लगते हैं। तो यस, आईब्रो बड़ी हुई है वो आपको साफ साफ दिख रही होंगी। अब हम चेंज करके आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं।
सो इस लुक के लिए मैंने क्या किया, टोटल जुगाड़ वाले काम किए हैं। सबसे पहले मैंने जो लेगी है, मेरा लेगिंग पड़ी हुई थी, मैंने उसका DIY ब्लाउज बनाया। इसका शॉर्ट्स या तो मैं इंस्टा पे डाल चुकी होंगी या फिर इसके बाद आ जाएगा, वो मुझे नहीं पता वो मैंने कब डाला, वो कब आने वाला है। तो मैंने DIY लेगिंग का ब्लाउज बनाया जो पीछे से तो दिखाने लायक नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो बनाने के लिए सामने से तो काफी सही है। और मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी इत्तेफाक से गोल्डन कलर की, तो मैंने उसको यहाँ लगा लिया। ये साड़ी अगर आपको याद हो तो मैंने एक लुक किया था दिया मिर्जा इंस्पायर्ड लुक, उस वाले लुक में मैंने ये साड़ी पहनी थी अगर आपको याद हो। तब मेरे पास ये प्लेन हुआ करती थी, लेकिन दिया मिर्जा वाले लुक के लिए मैंने इसमें लेस लगवा ली थी। आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि इस लेस को मैं बाद में कभी निकलवा दूंगी, लेकिन ये तब की साड़ी मेरी अभी कियारा आडवाणी वाले लुक में काम आ गई, तो मैंने ना यही वाली साड़ी पहन ली। उनकी ना साड़ी पहनने की एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, इस तरह से ऐसा उनकी साड़ी पे बॉर्डर था एंड इस तरह से उन्होंने यहाँ पे पिंसेस को सिक्योर करके रखा था, तो ऐसे चूड़ी वूड़ी पहनने जरूरत नहीं। प्लस जो यहाँ से ये वी कट आ रहा है, ये इस तरह से ये बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने भी ऐसी कुछ करने की कोशिश की। ज्यादा ज्वेलरी वगैरह उन्होंने पहनी नहीं है, सिर्फ एक इयररिंग है झुमकी अच्छी हैवी से पहनी है, तो मेरे पास जो थी मैंने वो वाली पहन ली। एंड हाथ वाथ में कुछ नहीं पहना था, जूड़ा बनाया था, मुझ पर जूड़ा बिल्कुल नहीं जमता है। इसी लुक को अगर मैं बाल खोल के दिखा दूँ तो कतई बेहोश कर दूँ सबको, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक करना था तो मैं जैसी वो थी सेम टू सेम मैंने वैसे ही कर लिया। अब मैं इसमें एक बिंदी लगा लूँ, अपने बालों को थोड़ा सा खोल लूँ तो ये लुक ज्यादा अच्छा लगेगा हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए। हम कोई दिल्ली मुंबई वाले लोग तो है नहीं यार, हम लोग यूपी वाले, बुंदेलखंड वाले, जयपुर वाले, राजस्थान वाले, हमारे यहाँ हरियाणा वाले, पंजाब वाले, कितना ज्यादा पल्लू वगैरह किया जाता है। तो ऐसे में ऐसे और अगर मैं इसकी बैग दिखाऊं मैं नहीं दिखा सकती यार, तो बवाली हो जाने। तो ऐसे में हम लोग बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन इस लुक को थोड़ा सा प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, तो अरे हाँ इसमें ना ये ब्लाउज वाले डिजाइन हैक में ये इस तरह से कभी कोई जज नहीं कर पाएगा देख के। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इस तरह की कोई डिजाइन बनवा सकते हैं, तो मैं भी कभी ट्राई करूंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो यस, इसको आप ट्राई कर सकते हैं एज ए सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक के लिए, कभी आपको कहीं कुछ करना है तो। बाकी इसको कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट के जुगाड़ वाले काम है तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यस, ये है हमारा कियारा आडवाणी इंस्पायर्ड लुक। इसको करने के पीछे का बस एक ही इंटेंशन है, दो एक्चुअली। फर्स्ट, मुझ जैसी जो गर्ल्स हैं जो यूट्यूब का काम करती हैं, जिनका काम भी मेरी वाली फील्ड में है, वो अपने सब्सक्राइबर को ऐसा कुछ बता सकती हैं, आइडिया दे सकती हैं, बिकॉज हम नहीं पहनते क्या हुआ, शायद कोई ऐसा हो जो ऐसा कुछ पहनता हो, वो थोड़ा सा ब्लाउज सिलवा लेगा, ऐसा लुक करना चाहेगा तो ब्लाउज सिलवा भी लेगा। एंड सेकंड कि अगर हमें खुद को ही इंस्पिरेशन लेनी है कि थोड़ा सा हमें सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक चाहिए, ब्लैक साड़ी लुक चाहिए, हम ऐसा ट्राई करते हैं। तो अपने नेक्स्ट लुक के लिए मैंने क्या किया, ये सोनम कपूर इंस्पायर्ड लुक किया है। इस लुक में क्या करना है, ये साड़ी मेरी ना मैं ऑलरेडी मतलब ली हुई रखी है, काफी पहले की रखी थी, मेरी फ्रेंड की शादी मैंने पहना था, उसका कोई पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी। उस टाइम पे मैंने इसको कर्ली हेयर के साथ पहना था, उस टाइम पे मैं कोई सोशल मीडिया का यूज नहीं करती थी, ना मैं यूट्यूब पे थी, ना मैं इंस्टाग्राम पे थी, तब भी मतलब ये मेरे अंदर पहले से ही वो है कि थोड़ा सा स्पेशल करो, कुछ अलग करो, तो मैंने उस टाइम पे ब्लाउज बनवाया था। और अब क्योंकि मैं यूट्यूब इंस्टा करने लग गई तो मुझे लगा क्यों ना इसी साड़ी में वो सोनम कपूर वाला लुक कर लिया जाए। तो लुक के नाम पे क्या है, मतलब ऐसे तो हम कहीं नहीं जाने वाले। सो अब मैं इसको अपना वाला टच देती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कर रही हूँ। देखो, खाली हाथ, खाली कान, हाँ फिर मतलब ऐसे ऐसे कैसे हम कहीं बाहर जा सकते हैं ना, ये किसी शादी में कितनी भी स्टैंडर्ड शादी हो हम ऐसे तो नहीं जाने वाले, लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड होकर तो अगेन दिखाना तो पड़ेगा। सो यस, ये हमारा इसका लुक है। अब मैं कुछ कुछ चीजें लेके आती हूँ और उसको हम अपने टाइप का बनाते हैं, ठीक है। सो इसे ना मैं थोड़ा अपने टाइप का बना के आई हूँ। सोनम कपूर ने मंगलसूत्र नहीं पहना था, बट मैंने पहन लिया, बिंदी लगा ली। हम लोग आम जगह पे ऐसे जा सकते हैं क्या यार, इतना भी हमारी कुछ कुछ लोग घर में तो इतनी भी सांसें चिल्लाती हैं, क्या है हाथ में एक भी चूड़ियां नहीं पहनी है, तो हम चूड़ियां पहन के आ गए हैं। थोड़ी सी ये वाली चूड़ी पहन ली है मैंने, और कंट्रास्ट देने के लिए, बिकॉज पूरी साड़ी बिल्कुल इसी कलर की है, तो मैंने ये वाली इयररिंग पहन ली, थोड़े से हैवी लग रहे हैं। बन अपना खोल लिया है थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल हम इसी स्टाइल में तो जाते हैं, जैसे जाते हैं तो नॉर्मल सा इस तरीके से। तो ये सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड मैंने ब्लाउज सिलवा लिया, इतना काफी है, बाकी हम वैसे तो नहीं जा सकते ना। एक चीज और रह गई थी, मेरी मांग भरना रह गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भर लूंगी फिलहाल तो। सो यस, ये है मेरा फाइनल लुक, बताना कैसे लग रहा है। मैं ना बहुत ट्राई करती हूँ कि लुक सारे बहुत प्रैक्टिकल रखूँ,
बिकॉज केवल दिखाने के लिए नहीं, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन क्या मतलब जब हमारे वो काम ही ना आए। तो मैं उनको लाती हूँ, फिर थोड़ा सा तोड़ती हूँ, कस्टमाइज करती हूँ, अपने हिसाब का बनाती हूँ और फिर आपके सामने लेके आती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने ना सिंदूर भी लगा के आ गई एक ब्रेक लेके आप लोगों से। तो देखो यार, हम लोग जब शादी वादी में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही जाते हैं ना, हम नहीं इतना वो सब कर पाते। इनफैक्ट ऐसे भी जो जाता है ना वो बड़े अच्छे वालों में गिना जाता है, कह रहे ये तो बड़े स्टाइलिश है। जैसे मुझे देख के जनरली लोग यहाँ के कहते हैं बड़ी स्टाइल में आई ठकुरा इनकी बहू। और पल्ला वगैरह रखना हो तो इससे आप रख सकते हैं प्रॉपर पल्ला, क्योंकि नॉर्मल पल्लू है हमारा। एंड अगर आपको फिर भी लगता है स्लीवलेस किसी किसी के घर में अलाउड नहीं होते हैं तो इसको आप स्लीव्स के साथ पहन सकते हैं, नेट की स्लीव्स बनवा सकते हैं। मांग हमने भर ली है, आप चाहें तो चश्मा भी लगा सकते हैं अगर आपका मन है तो। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, तो इससे भी लुक काफी अच्छा लगता है वेडिंग वगैरह पर अगर आप जाएं तो, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। एंड यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, दूसरी बार बोल रही हूँ। और ना मैंने इंस्टाग्राम पे गिव अवे रखा था, तो 5 विनर में से 2 विनर को अनाउंस कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों ने मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन प्लीज डू फॉलो मी इंस्टाग्राम। यार बहुत कुछ छोड़ रहे हो आप लोग, मैं डेली कलर ऑफ द डे पूछती हूँ, फिर आप लोग बताते हो, फिर मैं उसी को कलर को स्टाइल करती हूँ। तो उसी में पैरेट ग्रीन कलर था जो मैंने स्टाइल करा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो उसमें सारिका विनर हुई है, सारिका जो मैं यूट्यूब पे हमारे साथ है, वो भी वो इंस्टा पे मुझे फॉलो करती, वो उसमें विनर हुई है। तो अभी आप लोग YouTube पे जो टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले भी बता चुकी, मेरे अकाउंट को 5 लोगों से शेयर करना है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे दिखाना है, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, YouTube पे कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के इसको फॉलो करवाइए कोई 5 लोगों को। तो कमेंट करिए, लाइक करिए और आप भी गिव अवे के विनर बन सकते हैं। सो ये सब लास्ट बार पक्का बोल रही हूँ, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना यार, आपके एक लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, अच्छा लगता है। चलो कम से कम इतना हुआ है, तो हम मिलते हैं 10 के जल्दी से हो जाए YouTube पे। मुझे YouTube पे गिव अवे देना है, मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जिन लोगों को गिव अवे दिए उनसे ना फैमिली वाला रिश्ता बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है यार उन लोगों के साथ। सो अगर आप लोग लुक ट्राई करो तो मेरे साथ इंस्टा पे शेयर करना। और कुछ कहते हैं कि इसके अलावा चलो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।